मैं हूं भावना। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशनेट बायोलॉजी में। आज हम बात करेंगे हेयरी कैटरपिलर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बिहार हेयरी कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक नेम है स्पाइलोसोमा ऑब्लिक्वा। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली है आर्कटिडी। होस्ट है कैस्टर, तिल, मूंग, लिनसीड, मस्टर्ड, सम वेजिटेबल क्रॉप्स एंड मेडिसिनल प्लांट्स। इसमें होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। इसके लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। कॉपुलेशन के बाद फीमेल मॉथ नाइट में लीव्स की लोअर सरफेस पर 50 to 100x देती है। एक फीमेल अपने लाइफ स्पैन में टोटल 1000 to 1200x देती है। 5 to 7 डेज में इसमें हैचिंग होती है, एग हैच होते हैं और इससे लार्वा निकलते हैं और इनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। इनकी बॉडी ऑरेंज कलर की होती है और टर्मिनल एंड्स ब्लैक कलर का होता है। इन कैटरपिलर में 6 times मोल्टिंग होती है। लार्वल पीरियड 50 to 20 डेज का होता है। फुली ग्रोन कैटरपिलर अपने हेयर्स को शेड कर देता है और अब इसमें प्यूपेशन की प्रोसेस होती है। ककून का फॉर्मेशन होता है। प्यूपा ब्राउन कलर का होता है। प्यूपल पीरियड 12 to 14 डेज का होता है और अब इसमें फुली ग्रोन मॉथ बाहर निकलता है। एडल्ट लाइट ब्राउन कलर का होता है। इसके विंग्स पर और एब्डोमेन के लास्ट सेगमेंट पर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं। आइज और एंटीनी ब्लैक कलर की होती हैं और एडल्ट का लाइफ स्पैन 5 to 7 डेज का होता है। नेचर ऑफ डैमेज। द डैमेज इज कॉज्ड बाय लार्वा विच आर प्रोवाइडेड विद बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट। एडल्ट्स आर हार्मलेस। द कैटरपिलर्स फीड ऑन द लोअर सरफेस ऑफ लीव्स एंड कॉज डिफोलिएशन व्हेन दे आर ग्रोन अप, डिस्पर्स ओवर द फील्ड एंड ईट द लीव्स एंड टॉप स्टेम ऑफ प्लांट्स एंड कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स। सबसे ज़्यादा डैमेज लार्वा करते हैं जिनका बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। एडल्ट हार्मलेस होते हैं। कैटरपिलर्स पत्तियों को खा जाते हैं और जब ये बड़े हो जाते हैं तो पूरे फील्ड में फैल जाते हैं और लीव्स और प्लांट के स्टेम को भी खा जाते हैं और फसल बर्बाद कर देते हैं। सेकेंड है रेड हेयरी कैटरपिलर। इसका साइंटिफिक नेम है आमसेक्टा मोराई। ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा। फैमिली है आर्कटिडी। होस्ट है ज्वार, बाजरा, मैज, मूंग, तिल एंड ग्राउंडनट। इसमें भी होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस पाई जाती है। लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती हैं, एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। मैटिंग के 6 to 9 आवर्स बाद फीमेल मॉथ में एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। एग्स लीफ की लोअर सरफेस पर दिए जाते हैं। ये क्रीम कलर के होते हैं और ओवल शेप के होते हैं। एक फीमेल अपने पूरे लाइफ स्पैन में 100 to 750x देती है। 3 to 4 डेज में इंक्यूबेट होकर के इससे लार्वा निकलते हैं। ये लार्वा डार्क ऑरेंज कलर के होते हैं। इनकी बॉडी पर हेयर्स पाए जाते हैं। इसमें 6 to 7 टाइम्स मोल्टिंग होती है। इनकी बॉडी पर जो हेयर्स पाए जाते हैं वो रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं और इनकी बॉडी के पोस्टीरियर और एंटीरियर एंड पर ब्लैक हेयर्स के बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये लार्वल पीरियड 15 to 32 डेज का होता है।
फुली ग्रोन कैटरपिलर में प्यूपेशन की प्रोसेस अब होती है, जिसमें लार्वा के हेयर से ककून का फॉर्मेशन होता है। प्यूपा का कलर लाइट ब्राउन कलर का होता है, जो कुछ समय बाद डार्क ब्राउन में कन्वर्ट हो जाता है। प्यूपल पीरियड 7 to 12 days का होता है, जिससे फुली ग्रोन एडल्ट बाहर आता है। एडल्ट मौत के वाइट विंग्स होते हैं और बॉडी पर ब्लैक बैंड्स और स्पॉट्स होते हैं। ये केवल 3 to 5 days तक ही सर्वाइव कर सकते हैं और एडल्ट में 1 to 2 days बाद ही एग लेइंग स्टार्ट हो जाती है। 1 year में इनकी 1 to 2 generation होती है। नेचर ऑफ डैमेज। द कैटरपिलर इज डैमेजिंग स्टेज विच हैज़ बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। न्यूली हैच लार्वा फीड ऑन द ग्रोइंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। आफ्टर फ्यू डेज दे डिस्पर्स इन होल फील्ड। When vegetation of the field is finished, they migrate to neighboring field and continue to migrate from field to field. Caterpillars में biting and chewing type का mouth part होता है। ये plants के growing part पर feed करते हैं और जब पूरी crop ख़त्म हो जाती है तो ये दूसरे field में migrate कर जाते हैं। Control. Moths are attracted to light, so light traps should be set up as soon as rain start. Moths light द्वारा attract होते हैं, इसलिए light traps का use करना चाहिए। After collecting the eggs and caterpillars destroy them, eggs caterpillar को collect करके उनको destroy करना चाहिए। The chemical control should be applied like methyl parathion. एंडोसल्फान, मेथिल पैराथियन एंडोसल्फान का यूज़, स्प्रेइंग ऑफ नीम सीड कर्नल एनएसके का स्प्रे, स्प्रे ऑफ थ्यूरीसाइड थ्यूरीसाइड्स का स्प्रे। थ्यूरीसाइड बेसिकली बैसिलस थ्यूरेंजियंसिस का फॉर्मुलेशन करके बनाई जाती है। यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एस्परजिलस फ्यूमिगेटर्स एंड पॉक्स लाइक वायरसेस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज जैसे एस्परजिलस फ्यूमिगेटर्स और पॉक्स लाइक वायरसेस। थैंक यू, दैट्स ऑल।